Hello everyone. So topic name in this video lecture is cross language information retrieval. अब तक हमने देखा कि information retrieval system क्या है, उसके कुछ models देखे, okay? उसके बाद उसके performance के related जो भी कुछ parameters हमने देखे थे. अब शायद आपको पता चल रहा है कि ये क्या है system में. Generally scenario यही होता है and the end user के लिए क्या करना होता है, query को वो क्वेरी सबमिट करता है और जो भी सर्च इंजन है, जो भी हमारी आईआर सिस्टम है, वो उस क्वेरी को इवेल्युएट करके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको रिट्राई करके यूजर को देता है. अब क्वेश्चन ये है कि करंट सिनेरियो क्या है इंटरनेट पर, कि इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी. ओके, सो इस केसेस में जब रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करना होता है तब मे बी ऐसा पॉसिबल है कि यूजर की क्वेरी और जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी क्वेरी, उसकी लैंग्वेज है, वो दोनों अलग अलग हो. तो उस केस में रिट्रीवल सिस्टम क्या करता है. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है उसी को बोलते हैं क्रॉस लैंग्वेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. ओके, और उसमें बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिट्राइव द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर इन द लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द वन इन विच द क्वेरी इज एक्सप्रेस. लेट्स से कि मुझे क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, ओके, मुझे ये जानना है कि श्रीलंका की प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है. सो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में भी मुझे अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन कुछ अलग डॉक्यूमेंट होंगे जो कि उसकी नेटिव लैंग्वेज में होंगे. अब देखिए, वो सारे लैंग्वेज है, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट नेटिव लैंग्वेज में है वो मेरी क्वेरी के रिलेवेंट तो है, लेकिन मेरी क्वेरी जिस लैंग्वेज में डिफाइन की गई है उसमें नहीं है. ओके, सो उस केस में क्या ऐसा किया जाए ताकि जो डिफरेंट लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट है वो भी यूजर को मिल सके. यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर क्वेरी इन एस और डॉक्यूमेंट इन टी. यहाँ पर S एंड T ये दोनों लैंग्वेज को रिफर करते हैं, दोनों ही अलग लैंग्वेज में है. सो ट्रांसलेशन बिटवीन S एंड T, दैट मीन्स या तो S को T में कन्वर्ट किया जाता है या फिर T को S में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कंपैरिजन होती है, और उसको रिट्राइव डॉक्यूमेंट में उसको सेट करके अगेन यूजर को प्रेजेंट किया जाता है. यदि यूजर उसको फीडबैक देता है तो उसके अकॉर्डिंगली वापस उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, सो इट इज जस्ट अ टिपिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ CLRI सिस्टम. नाउ अब हमने कह तो दिया कि क्वेरी अलग फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट अलग फॉर्म में है, अलग लैंग्वेज में है. तो अब जैसा कि मैंने बोला कि ट्रांसलेशन यहाँ पर जरूरी है. ओके, क्वेरी का डॉक्यूमेंट में या फिर डॉक्यूमेंट को क्वेरी में. सो यहाँ पर कितने अप्रोचेस है टू अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. So, CLIR required the ability to represent and match the information in the same representation space, even if the query and document collection are in different languages. उसकी ability क्या होनी चाहिए कि जो भी content match होती है उसको वो represent की उसकी ability होनी चाहिए, irrespective of in which language query and document in. The fundamental problem क्या है इस CLRI system में, is to match the term in different language that describe the same or similar meaning. The strategy of mapping between the different language representation is usually machine translation. Okay, generally क्या होता है कि जो भी query का जो term है, okay, वो different language में different वो same मीनिंग को भी इलस्ट्रेट करता है या फिर उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट भी हो सकता है. ओके, जनरली इस केस में क्या होता है, मशीन ट्रांसलेशन होता है. ओके, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज. सो यहाँ पर टोटल हमें तीन अप्रोचेस मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, द सेकेंड वन इज क्वेरी ट्रांसलेशन, एंड थर्ड वन इज आइदर लैंग्वेज और इंटरलिंग. ओके, सो ये क्या है हम देखते हैं डिटेल में. द फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन. Map the document representation into the query representation space. Document में document को किस में convert किया जाता है, query की language में. Let's say कि मुझे जो भी श्रीलंका की language तमिल में किसी history का कोई represent किया गया है तो मेरी query submit होती है English में. So उस document जो तमिल में है उसको किस में convert किया जाता है,
इंग्लिश में. ओके, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, दैट मींस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जाता है क्वेरी लैंग्वेज में. यहाँ पर एक इमेज है. ओके, देखिए ये जो है मेरी तरह एंड यूजर है, और ये मैं श्रीलंका की बात कर रही थी, उसको कुछ चाइनीज हिस्ट्री चाहिए, इसलिए उसने चाइनीज डॉक्यूमेंट को उसने कुछ क्वेरी सबमिट की है. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन. यहाँ पर उसने जैसे ही क्वेरी सबमिट की है, ओके, सो ये जो चाइनीज डॉक्यूमेंट है उसको, उसके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर ट्रांसलेट किया जाता है, किसमें, इंग्लिश डॉक्यूमेंट कलेक्शन में. ओके, और ये रिट्रीवल इंजन उसको इस इंग्लिश डॉक्यूमेंट कलेक्शन को देखकर उसको वो मैप करके रिट्रीवल इंजन यहाँ पर उसको रिजल्ट्स वापस देता है. तो अब यहाँ पर यदि आप मार्क करें तो मेजर चैलेंज क्या है, अब देखिए यूजर ने जो क्वेरी सबमिट की है वो तो मेजर लेट्स से कि वो मैक्सिमम 2 लाइन की क्वेरी है. ओके, और यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट है. ओके, सो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जाता है क्वेरी लैंग्वेज में, आफ्टर दैट उसको रिट्रीवल इंजन फैच करके डेटा रिट्राइव करके दे देता है. तो ये तो हमें महंगा नहीं पड़ गया, हमारी क्वेरी सिर्फ 2 लाइन की थी और यहाँ पर हम मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन कर रहे हैं. ओके, हाँ हालांकि ये अप्रोच सही है, लेकिन यहाँ पर हमारी इश्यू आ जाता है स्केलेबिलिटी का. ओके, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर किसी एक क्वेरी के लिए हम पूरे पूरे कॉर्पस को डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा समय, या फिर वो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. सो उसके अल्टरनेटिव एक दूसरी भी अप्रोच है, दैट इज क्वेरी ट्रांसलेशन. मैप द क्वेरी रिप्रेजेंटेशन इनटू द डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन स्पेस. अब यहाँ पर उल्टा प्रोसेस हो गया, देखिए ये जो क्वेरी है उसने वो किसमें ट्रांसलेट, उसमें क्वेरी सबमिट की थी इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, सो यहाँ पर ट्रांसलेशन सिस्टम इस क्वेरी को चाइनीज क्वेरी में कन्वर्ट करता है, और चाइनीज क्वेरी रिट्रीवल सिस्टम में एज ए इनपुट जाती है. ओके, अब ये चाइनीज क्वेरी भी है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी किस लैंग्वेज में है, चाइनीज. सो चाइनीज चाइनीज मैच हो गया. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कि रिट्रीवल सिस्टम अब इजीली उस चाइनीज डॉक्यूमेंट को फैच कर सकते हैं कि ओके मेरी क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली उसके रिलेवेंट ही ये डॉक्यूमेंट है, और वो उस चाइनीज डॉक्यूमेंट को फैच कर लेता है. ओके, और अगेन यहाँ पर वापस ट्रांसलेशन सिस्टम पिक्चर में आती है. अब उसका काम क्या है, ये जितने हमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिले हैं सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो गए इनटू विच लैंग्वेज, इंग्लिश में. ओके, और रिजल्ट वापस यूजर को मिलेगा. अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर चाइनीज डॉक्यूमेंट हमें मिल गई हो और वही सेम डॉक्यूमेंट हम यूजर को दे दे, बिकॉज यूजर को तो चाइनीज आती ही नहीं है. ओके, सो दैट इज वाई यहाँ पर क्वेरी का भी ट्रांसलेशन होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि रिलेवेंट है हमारी क्वेरी से, उसका भी ट्रांसलेशन किया जाता है, और उसका आउटपुट है वो एंड यूजर को एज ए रिजल्ट मिलता है. ओके, सो ये थी क्वेरी ट्रांसलेशन. अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये जो ट्रांसलेशन सिस्टम है वो, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि वो एट अ टाइम, या फिर लेट्स से कि वो किसी एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए उसको डिजाइन की गई है. ऐसा तो नहीं है ना कि वो इंग्लिश टू चाइनीज भी कर सकती है, चाइनीज टू जापानीज भी कर सकती है, जापान टू कुछ अदर लैंग्वेज भी कर सकती है. ओके, सो यहाँ पर एक मिडल अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज पाइवट लैंग्वेज और इंटरलिंक लैंग्वेज. सो डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी बोथ आर ट्रांसलेटेड इनटू सम कॉमन इंटरलिंक. यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी दोनों को ही किसी अलग ही लैंग्वेज में, जो कि कॉमन है सबके बीच, उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है. बट यहाँ पर क्या होता है, इट रिक्वायर्स ह्यूज रिसोर्सेज एज अ ट्रांसलेशन नीड्स टू बी डन ऑनलाइन. ओके, बाकी केसेस में भी यही अप्लाई होता है. सो ऑल ओवर यदि हम देखें तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है सबकी ट्रांसलेशन, या कि हाँ क्वेरी ट्रांसलेशन जो है वो कुछ हद तक हमें उसकी कॉस्ट कम होगी, बिकॉज वहां पर जो भी क्वेरी के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसका ही ट्रांसलेशन होता है. ओके, और प्लस एडिशनली हमें सिर्फ एक बार क्वेरी को ट्रांसलेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमें
पूरा का पूरा जो हमारे पास टैक्स कलेक्शन है उसको ट्रांसलेट करता है। सो यहाँ पर भी सेम इश्यू है, हमारे पास जो भी डेटा है, जो भी टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट एंड क्वेरी दोनों को ही किसी कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये अप्रोच भी इतना आई डोंट से इट इज इफेक्टिव। सो यहाँ पर एक मिडल अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज स्निपेट ट्रांसलेशन इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। अब देखिए, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बोलता है, क्या कंसेप्ट है कि डॉक्यूमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि काइंड ऑफ अ समरी है, और जो जो पैराग्राफ या फिर जो भी टेक्स्ट उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा रिलेवेंट होता है क्वेरी को, उस स्निपेट को ही सिर्फ ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, दिस कैन गिव अ क्लू टू द एंड यूजर अबाउट द यूजेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे ही यूजर को ओके लेट्स से कि मैंने हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका किया और मुझे यहाँ पर कुछ स्निपेट मिलते हैं, ओके, जो कि नेटिव लैंग्वेज में था, लेकिन अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं हुआ है, उसका कुछ पैराग्राफ ही ट्रांसलेट हुआ है। ओके, अब यदि वो मुझे डॉक्यूमेंट, मुझे इन्फॉर्मेटिव इतना लगता है, और यदि मैं उसको रिस्पॉन्स देती हूँ, दैट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट मेरे काम का है, तो फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, जो कि यहाँ पर केस क्या था, प्रीवियस केस में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट होता है और यहाँ पर सिर्फ स्निपेट। ओके, यदि यूजर सिलेक्ट करता है तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होगा। ओके, यहाँ पर लास्ट पॉइंट वही है, इफ द यूजर फाइंड इट्स यूजफुल देन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कैन बी यूज्ड टू ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज ऑफ द एंड यूजर। ओके, यहाँ पर जैसा कि हमने इजीली बोल दिया कि ओके ट्रांसलेशन हो गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स आउट किए हैं। द फर्स्ट वन इज दिस ट्रांसलेशन एम्बिग्यूटी। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है सिंगल वर्ड की उसका मीनिंग मोर देन वन है। ओके, सो यहाँ पर ट्रांसलेशन एम्बिग्यूटी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में कोई वर्ड है तो उस वर्ड का यदि हम इंग्लिश में उसका अप्रोच करें, ओके, सो तो वहां पर उसके दो मीनिंग मिलते हैं। या फिर इंग्लिश का ही कोई वर्ड है और हम उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने जाते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। सो यहाँ पर एक इश्यू है, आई कैन नॉट से इश्यू बट इट्स अ चैलेंज, ट्रांसलेशन एम्बिग्यूटी। आफ्टर दैट, फ्रेज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। देखिए, फ्रेज क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड्स। ओके, और फ्रेज में क्या होता है कि यदि आप उस फ्रेज को डिवाइड कर दे और पर्टिकुलर सिर्फ उसको टर्म में यदि आप रखे, तो उस टर्म का भी कुछ अलग कंटेक्स्ट होगा, लेकिन यदि आप उस फ्रेज को पूरा का पूरा रीड करें, ओके, तो भी कुछ उसका अलग मीनिंग होता है। सो अब इस केसेस में किस तरह से वर्क करना चाहिए फ्रेज आइडेंटिफिकेशन में, बिकॉज जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम या फिर लेक्सिकल अप्रोच, दैट मीन्स हम डिक्शनरी का यूज करते हैं जो डाई लैंग्वेज में होती है। ओके, लेट्स से कि जनरली आपने देखा होगा कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, ओके, जो तो वो आपको दो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में आपको वो हेल्पफुल होती है। अब हमारे पास डिक्शनरी तो है, लेकिन जब हम उसको फ्रेज आइडेंटिफिकेशन करें और हम यदि उसको सिर्फ टर्म को फैच करके देखें, तो फिर उसका कंटेक्स्ट ही बदल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर फ्रेज आइडेंटिफिकेशन और उसका ट्रांसलेशन में भी कुछ चैलेंजेस है जिसका हमें ख्याल रखना होगा, हमें यानी कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम को। आफ्टर दैट, ट्रांसलेट और ट्रांसलिटरेट अ टर्म। अब कई बार क्या होता है कि आजकल की जनरेशन में पर्सन के नाम ऐसे होते हैं कि आप सोच नहीं पाते कि वेदर इट इज अ जेंडर और वेदर इट इज अ फीमेल और मेल, और उसका नाम पर्सन का नाम ही है या फिर कुछ और है। ओके, सो जैसे हम कंफ्यूज होते हैं, उसी तरह ये ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम भी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भास्कर है वो पर्सन का नाम भी हो सकता है, और आप सबको पता होगा इफ यू आर इंडियन और इफ यू आर अवेयर ऑफ संस्कृति, ओके, संस्कृत लैंग्वेज, भास्कर का एक मीनिंग सन यानी कि सूर्य भी होता है। तो अब इस केस में उसको क्या ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करें तो उसका होता है सन, और यहाँ पर क्या डिसीजन ले, बिकॉज इफ इट इज अ पर्सन नेम तो वहां पर मुझे ट्रांसलेट करना ही नहीं है, भास्कर को भास्कर ही रहने देना है। ओके, सो ये भी एक इश्यू है। आफ्टर दैट, ट्रांसलिटरेशन एरर्स, जो भी एरर्स आती है, ओके, सो उस चैलेंज को किस तरह से एलिमिनेट किया जाए।
आफ्टर दैट आती है डिक्शनरी कवरेज. अब देखिए तो किसी भी लैंग्वेज में फ्रिक्वेंटली न्यू वर्ड्स है वो एड होते जाते हैं, तो हम हमारी डिक्शनरी को भी हमें अपटूडेट मेंटेन करना पड़ता है. जो भी हमने कुछ टूल यूज किए गए हैं ट्रांसलेशन में, तो उस टूल को भी उसके अकॉर्डिंगली इतना वर्क करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट आना चाहिए. ओके, जनरली जो भी वर्ड्स आते हैं तो उसको डिक्शनरी में हमें ऐड करने होंगे, ओके, ताकि उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिले. सो डिक्शनरी कवरेज भी एक इश्यू है. आफ्टर दैट फॉन्ट. ओके, फॉन्ट में अब देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिकोड्स में, उसको उसका फॉर्मेट है वो यूनिकोड में नहीं होता है. सो अब उस केस में क्या किया जाता है, उस सारे डॉक्यूमेंट को यूनिकोड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट इट माइट बी यूजफुल फॉर द यूजर. आफ्टर दैट मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, दैट मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैंग्वेज. ओके, सो ये भी एक इश्यू है. कुछ मीनिंग के अपने कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है तो उसका उसको सोर्स लैंग्वेज में उसके मल्टीपल आपको मीनिंग मिलते हैं. अब यदि आप उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तब आपको उस हर केस के बारे में सोचना पड़ता है. ओके, और हमें जो भी केसेस मिलते हैं उस केसेस के भी फिर कुछ अलग सेंस है इन टारगेट लैंग्वेज. ओके, सो ये भी एक इश्यू है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस. एंड आफ्टर दैट आउट ऑफ वोकैबुलरी प्रॉब्लम. आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले डिक्शनरी कवरेज को मेंटेन करने के लिए, लेकिन कुछ हद तक हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वोकैबुलरी में नहीं होते हैं. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ CLRI सिस्टम. सो फर्स्ट वन मिलता है लिमिटेड साइज ऑफ डिक्शनरी. कोई भी डिक्शनरी हम चाहे उसको कितने भी अपडेट रखने की ट्राई क्यों ना करें, सो यहाँ पर एक और एक तो प्रॉब्लम था ही, चैलेंज हमारे पास था ही आउट ऑफ वोकैबुलरी. ओके, और जब हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर इश्यू आता है लिमिटेड साइज ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी में हम कितने भी वर्ड क्यों ना ऐड करें, लेकिन वो कंपाउंड और फ्रेजेस की सारी कॉम्बिनेशन को कंटेन नहीं कर सकता है. अ स्पेसिफिक डोमेन कैन जनरेट अ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी विच माइट नॉट बी प्रेजेंट इन जनरल डिक्शनरी. सो यदि आप किसी जनरल पर्पस के लिए यदि वो डिक्शनरी बिल्डअप की है तो वो सारे पॉसिबल कंपाउंड फ्रेजेस को कंटेन नहीं कर सकती है. इंफ्लेक्टेड वर्ड्स फॉर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिक्शनरी. लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ओके वी हैव सीन स्टैमिंग. व्हाट इज स्टैमिंग इन माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर. ओके, स्टैमिंग यानी कि किसी कोई एक वर्ड है. ओके, लेट्स से कि यहाँ पर वर्ड है नॉर्मलाइजेशन. सो नॉर्मलाइजेशन का स्टैम रूट यानी रूट वर्ड क्या है, नॉर्मल. ओके, सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उसके रूट फॉर्म में डिक्शनरी में अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमने जो भी क्वेरी में जो वर्ड आता है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वो स्टैम वर्ड नहीं है, वो उसके कुछ वेरिएंट है. सो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसके स्टैमिंग में, बिकॉज डिक्शनरी में सिर्फ स्टैम वर्ड को ही इंक्लूड किया जाता है. ओके, उसके बाद सेकेंड इश्यू, सेकेंड परफॉर्मेंस अफेक्टिंग फैक्टर्स है क्वेरी ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन परफॉर्मेंस. इंक्रीज ऑफ इररिलेवेंट सर्च की सेंसेस ड्यू टू लेक्सिकल एम्बिग्यूटी इन सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज. सो लेक्सिकल एम्बिग्यूटी अपीयर्स इन बोथ सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज. जैसा कि मैंने बोला कि हमारा बेसिक टास्क तो यही है कि किसी एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी है. और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी एक्सटर्नल टूल को यूज किया है ट्रांसलेशन के लिए, तो सोर्स लैंग्वेज में कोई एक जो टर्म है, कोई की है, वो मल्टीपल उसके मीनिंग हो सकते हैं, और उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली उस हर मीनिंग के अकॉर्डिंगली टारगेट लैंग्वेज में भी हमें मल्टीपल ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो कि कई बार ऐसा होता है कि वो इररिलेवेंट हो जाता है, हमारी क्वेरी के इररिलेवेंट हो जाता है. और ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे क्वेरी में इररिलेवेंट सर्च की इंक्रीज हो जाती है. सो इसकी वजह से यहाँ पर सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों में ही लेक्सिकल एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है. ओके, सो
यदि हम इस फैक्टर्स पर फोकस करें और कुछ उसको मिनिमाइज करें, जो भी इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस इश्यू है उसको हम कुछ हद से एलिमिनेट करें, कुछ इम्प्रूव करने की ट्राई करें, तो ये CLRI कुछ हद तक उसको हम इजी बना सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट CLRI, दैट इज क्रॉस लैंग्वेज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.